पूर्णा में रविवार को आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सभी कार्यालयों में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। शहर में स्थित अंबेडकर चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के सभी अधिकारियों ने माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। इंडियन बैंक चौराहे से अंबेडकर चौराहे तक सामाजिक संगठनों के द्वारा शोभा यात्रा भी निकाली गई। शहर के गांधी पार्क टाउन हॉल में वाल्मीकि रामायण पाठ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिला विकास अधिकारी दिनकर विद्यार्थी DCNR LM नरेश बाबू सविता, जिला सूचना अधिकारी संजय कुमार, DPRO लालजी दुबे सहित और भी अधिकारी मौजूद रहे। इस क्रम में वाल्मीकि समाज के युवाओं के द्वारा शहर के अंबेडकर चौराहे पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों आने जाने वाले आगंतुकों को प्रसाद दिया गया। इस मौके पर विकास वाल्मीकि, राजन वाल्मीकि, कमलेश, अरविंद, शुभम, विवेक कुमार, सुशील, पूर्व सभासद जेपी श्रीवास्तव, सभासद सुरेंद्र, कुलदीप, नितिन, राजू, सुमित, भानु कोहली, गोविंदा वाल्मीकि सहित दर्जनों वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट।